हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की इस सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है। एक्सेल में नई चीज हम आज क्या सीखने वाले हैं, यहां पर देख सकते हैं कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इनको हमें ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हम सम को फॉर्मूले का यूज करते हैं, आप जानते ही हैं। तो इज इक्वल टू सम फॉर्मूला हम लगा लेते हैं, यहां से ब्रैकेट को ओपन करते हैं और यहां से ड्रैग करते हुए इस सेल एड्रेस को सेलेक्ट कर लेते हैं और बंद करके आप एंटर प्रेस करते हैं। तो जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं तो यहां पर तो हमारा कैलकुलेशन हुआ ही नहीं, तो यहां पर क्या प्रॉब्लम हुई ऐसी कि ये हमारा कैलकुलेशन नहीं हुआ। शायद आपके साथ भी कभी ऐसी समस्या हो सकती है, तो घबराइए मत, बस इसका सोल्यूशन होने ही वाला है। तो यहां पर आप आएंगे और यहां पर राइट क्लिक करेंगे और यहां से फॉर्मेट सेल्स पे चलेंगे, तो आप देख पाएंगे कि ये जो फॉर्मेट है वो टेक्स्ट रख दिया गया है और इसे हमें कन्वर्ट करना है नंबर में। तो इसे जैसे ही आप नंबर बनाएंगे तो आप कैलकुलेट भी कर पाएंगे। जैसे इज इक्वल टू सम फॉर्मूला यहां पे मैंने यूज किया और अब यहां से मैं इसको ऐड करने की कोशिश करूंगा, तो यहां पे देखिए ये इसको कैलकुलेट करके अब हमें दे दे रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि बात आपके समझ में आ रही होगी कि ये कैसे करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।